देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। बात अगर इसके लिए भूमि की करें तो वैसे तो मसूर की खेती लगभग सभी तरह की भूमि में की जा सकती है, लेकिन फिर भी दोमट से भारी भूमि इसके लिए उत्तम मानी जाती है। बात अगर करें मसूर की प्रजातियों की तो पंत मसूर 4, पंत मसूर 406, पंत मसूर 639, पूसा वैभव, TPL5, TL32 ये छोटे दाने वाली प्रजातियां हैं। और अगर बात करें मोटे दाने वाली प्रजातियों की तो DPL15, DPL62, AK72, JL3, L4076, IPL81 व नरेंद्र मसूर 1। ध्यान रखें कि जब भी बिजाई करने जा रहे हैं, बीज उपचारित करना व बीज शोधन करना बिल्कुल ना भूलें। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए जारी की नई एडवाइजरी, बढ़ते तापमान और लू से करे फसलों की रक्षा। नैनो यूरिया लिक्विड के इस्तेमाल ने बढ़ाई किसानों की आय, प्रति एकड़ 2000 रुपए की हुई बढ़ोतरी। 1 करोड़ टन से ज्यादा गेहूं का निर्यात करेगा भारत, उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रहे किसान। आमतौर पर जहां लू और गर्मी का प्रकोप अप्रैल अंत तक लोगों के लिए परेशानी का सबब बनना शुरू होता है, तो वहीं इस बार मार्च आखिर से ही लू और तपती धूप ने आमजन का जीवन बेहाल कर दिया है। गर्म हवा और लू चलने की संभावनाओं को देखते हुए ही हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने किसानों के लिए एक खास एडवाइजरी जारी की है। वैज्ञानिकों ने सलाह देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में लू और तापमान में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए नियमित अंतराल पर किसान सब्जियों व सब्जियों की नर्सरी, जायद फसलों और फलों के बगीचों पर हल्की सिंचाई करते रहें ताकि उनमें नमी बरकरार रहे। इसके अलावा अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की अच्छी तरह से सफाई करें और अनाज को अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही रखें। भंडार घर की छत, दीवारों और फर्श पर एक भाग मेलाथियन 50 cc को 100 भाग पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी कि यदि आप भंडारण के लिए पुरानी बोरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें एक भाग मेलाथियन व 100 भाग पानी के घोल में 10 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखा लें। साथ ही अगर आपकी गेहूं की फसल तैयार है तो उसकी जल्द से जल्द कटाई कर लें। कटी हुई फसलों को बांध कर रखें। इसके अलावा मूंग की खेती करने के इच्छुक किसानों को इसकी बेहतरीन किस्म मूंग पूसा विशाल, पूसा रत्ना, पूसा 5931, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32 आदि की बुआई कर सकते हैं। इस मौसम में फसलों का कीट रोगों से बचाव करना भी काफी जरूरी है। वैज्ञानिकों ने सलाह दी कि लगातार अपनी फसलों की निगरानी करते रहें और रबी की कटाई के बाद खेतों में हरी खाद की बुआई का काम शुरू कर दें। किसानों की सहूलियत और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ समय पहले ही सहकारी संस्था इफ्को ने नैनो यूरिया को लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल आज देश भर के करोड़ों किसान कर रहे हैं। इस बीच इफ्को ने दावा किया है कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से देश के किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी हो रही है। ये कम लागत में किसानों को ज्यादा मुनाफा देने में मददगार साबित हो रहा है। दरअसल एक परीक्षण के आधार पर हाल ही में इफ्को ने ट्वीट करते हुए कहा कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों की आय में प्रति एकड़ 2000 रुपए की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर US अवस्थी ने कहा कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल में होती तरक्की को देखते हुए जल्द ही नैनो DAP और अन्य नैनो उत्पादों को भी लाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि नैनो यूरिया लिक्विड से न केवल किसानों की आय बढ़ी है बल्कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं से भी छुटकारा मिला है। माना जा रहा है कि फसलों में इसके इस्तेमाल ने खाद्य सुरक्षा और उत्पादकता में भी काफी
सुधार किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इफ्को ने व्यावसायिक रूप से दुनिया का पहला नैनो यूरिया विकसित करके एक नई खोज की और बहुत ही कम समय में इस खोज ने न सिर्फ किसानों के बीच अपनी पहुंच बनाई बल्कि नैनो यूरिया लिक्विड अब उनकी पहली पसंद भी बन गया। बीते रविवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के किसानों व निर्यात नीति पर भरोसा जताते हुए कहा कि वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग की वजह से देश का गेहूं निर्यात वर्ष 2022 से 23 में 1 करोड़ टन के पार जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जहां वित्त वर्ष 2021-22 में गेहूं निर्यात 70 लाख टन को पार कर गया था जबकि इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 में ये आंकड़ा 21.55 लाख टन रहा था। इससे पहले 2019-20 में केवल 2 लाख टन ही गेहूं का निर्यात किया गया था। वहीं हर वित्त वर्ष 2 से 3 गुना होती बढ़ोतरी को देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि 2022-23 में गेहूं का निर्यात 1 करोड़ टन को पार करता हुआ बीते सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। आपको बता दें कि बीते दिन एक प्रेस वार्ता के दौरान पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि हम बड़े पैमाने पर गेहूं का निर्यात जारी रखेंगे और उन देशों की जरूरतें पूरी करेंगे जिन्हें संघर्षरत क्षेत्रों से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि मेरा मानना है इस बार भारत गेहूं निर्यात में 100 लाख टन के आंकड़े को आसानी से पार कर जाएगा। इसके अलावा किसान भी गेहूं का उत्पादन बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से ज्यादा गेहूं का आयात हो रहा है। जाहिर है कि बीते कुछ सालों से न सिर्फ कृषि उत्पादन में बल्कि कृषि निर्यात के क्षेत्र में भी भारत ने काफी तरक्की हासिल की है। दोस्तों ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के 10 किसानों को पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। इसके बाद अभी सरकार द्वारा प्रदेश के और 2000 किसानों को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। आपको बता दें कि सरकार की इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर की खरीदी पर 20-50% का अनुदान दिया जा रहा है जबकि बाकी राशि उन्हें लोन के तौर पर दी जाती है। हरियाणा के जिंद में बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा न मिलने पर किसान बिफर पड़े हैं। बता दें कि बीते रविवार को किसानों ने खटखट टोल प्लाजा पर जमकर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने सफेदों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली में भाग लेने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को टोल पर रोक लिया और उन पर लगे भाजपा के झंडों को उतार कर आग के हवाले कर दिया। गेहूं का सीजन शुरू हो चुका है। रविवार को नई अनाज मंडी में गांव सिल्ला खेड़ा देवीगढ़ और खुराना गांव के किसान गेहूं लेकर पहुंचे, लेकिन खरीद एजेंसियों की तरफ से कोई भी अधिकारी खरीद करने के लिए नहीं आए। इस कारण किसानों को घंटों धूप में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा। केंद्र और तेलंगाना सरकार के बीच चल रही खींचतान का नुकसान तेलंगाना के किसानों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल दोनों ही सरकारों के बीच ये बात साफ नहीं हो पा रही है कि रबी सीजन के धान की खरीद एमएसपी पर की जाएगी या फिर नहीं, जिसका फायदा राइस मिलर्स को हो रहा है और मजबूरी में किसान उन्हें कम दाम पर अपनी फसल बेच रहे हैं। कानपुर देहात में एक किसान ने अपने खेत से मिट्टी के अवैध खनन पर कोई एक्शन नहीं लिए जाने की वजह से हाल ही में आत्महत्या कर ली है। किसान की जमीन पर कई महीनों से अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा था। मृतक किसान ने जनपद के सभी अधिकारियों से अपनी जमीन पर माफियाओं द्वारा जबरन अवैध खनन करने की शिकायत कई बार की है, लेकिन कोई सुनवाई जब नहीं की गई तो अंत में पीड़ित किसान ने रविवार यानी कि 3 अप्रैल को जहर खाकर मजबूरी में आत्महत्या कर ली। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।